बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, ये खलीफा की मशहूर नान खताई है जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये एक्चुअल खलीफा की मशहूर नान खताई है जो वहीं से आई है, लाहौर से। और ये कौन लाया है जी? ये मेरे भाई लाए हैं। वो गए हुए थे एक हफ़्ते के लिए लाहौर, तो वहाँ से ये खलीफा की मशहूर नान खताई जो है वो लेकर आए हैं। और दोस्तों, इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें इन्होंने बादाम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया हुआ है और साथ ही असली घी में बनाई गई है। अगर आप ये दोनों चीज़ें नान खताई बनाने में इस्तेमाल करें तो आप बिल्कुल ऐसी ही नान खताई बना सकते हैं। मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी जो मैंने शेयर की है, बिल्कुल वही टेस्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपने साबुत बादाम डालने हैं और असली घी डालना है। ये दोस्तों लाहौर की एक और सौगात, जी हाँ, सोहन हलवा, जिसे हम मुल्तानी हलवा भी कहते हैं। मेरा ख़्याल है ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और मुझे भी ये बहुत ही पसंद है। तो इस वक्त जी मैं टेस्ट कर रही हूँ सोहन हलवे को, यानी कि मुल्तानी हलवे को। बहुत ही मज़े का लगता है ये। आज असल में मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई हूँ। आज संडे का दिन है और 19th of March है। आज मेरे छोटे भाई की जो बेटी है उसकी बर्थडे भी है, लेकिन इस वक्त वह अपनी नानू के घर गई हुई है और मैंने ये सोचा कि उसके आने से पहले थोड़ा सा घर को डेकोरेट किया जाए और छोटी सी केक कटिंग सेरेमनी की जाए। तो इस वक्त तो मैं यहाँ पर मटन कढ़ाई बना रही हूँ। डिनर पे हस्बैंड को भी आना था तो मैंने अम्मी से कहा कि आज मटन कढ़ाई जो है वो मैं ख़ुद बनाऊँगी। यहाँ पर जी मैंने मटन को मसाले में डाल के रख दिया है। थोड़ा सा ऑयल डाला था, अदरक लहसुन डाला था, मसाला डाला था और मटन डाल के थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया है। पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। अब मटन को मैंने ढक के हल्की आंच पे रख दूँगी। इसी में ही ये मटन गल जाएगा और अगर नहीं गला तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी। साथ ही मैंने यहाँ टमाटरों को एक अलग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के रख दिया है और अब यहाँ मैं सॉफ्ट कर रही हूँ टमाटर को। ये देखें जी दोस्तों, मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है डाइनिंग एरिया। किसी को बुलाया हमने इसलिए नहीं था क्योंकि हम एक्चुअली बर्थडेज़ को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन मैं चूँकि अम्मी के आई हुई थी तो मैंने सोचा बच्ची को खुश कर दिया जाए। यहाँ पर जी मैंने गोश्त को देख लिया था, गल चुका था, टमाटर भी मिक्स कर दिए थे, थोड़ा सा दही भी डाल दिया था और हरी मिर्चें डाल के दम भी लगा दिया था। तो मेरा मटन कढ़ाई रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने डेकोरेशन भी रेडी कर दी है, केक मैंने मंगवा के रख लिया है और अब यहाँ पर हस्बैंड आ चुके थे तो मैंने खाना भी सर्व कर दिया था। अभी मेरा छोटा भाई जो है वो भाभी और बच्ची को लेने गया हुआ है, मैं उसका वेट कर रही थी और जी वो आ गई थी तो मैंने जल्दी से केक लेकर आई और गिफ्ट भी साथ ही रख दिया। लेकिन भाई ये मेरी गलती थी क्योंकि गिफ्ट देख के तो जी वो सब कुछ भूल गई और उन्होंने ना केक कटिंग सेरेमनी की, बस उन्होंने यही कहा कि मैं गिफ्ट खोल के दो और मैं गिफ्ट से खेलूँगी। बस जी वो मुस्तकिल गिफ्ट में लगी नहीं, उन्होंने केक कटिंग सेरेमनी भी सही तरह नहीं की। आपको तो पता ही है बच्चों का मूड होता है और बस वो उनका मूड यही था कि वो बस अब खिलौनों से खेलें, तो वो खेल रही थी और बस यही स्माइल देखने के लिए मैंने ये सब कुछ सेलिब्रेशन की थी। दोस्तों, बच्ची के चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए मैंने इतनी एफर्ट की थी और माशाल्लाह मैं अपनी इस एफर्ट में कामयाब हो गई क्योंकि बच्ची ने जब बलून्स वगैरह देखे और अपना गिफ्ट देखा जो उसे बहुत ही पसंद आया, तो बस मुझे और क्या चाहिए था। मुझे तो बस यही खुशी थी कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। मेरे और बहन भाई आ नहीं रहे थे इसलिए हमने ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन की नहीं थी प्रॉपर तरीके से। बस मैं चूँकि अम्मी के घर आई हुई थी तो मुझसे जो कुछ हो सका वो मैंने कर दिया था छोटा मोटा, और बस बच्ची खुश हो गई और मुझे क्या चाहिए था। उनको जी मेरा गिफ्ट बहुत ही पसंद आया। ये असल में किचन की कुछ चीज़ें थी जिसमें सेल डाल के वो म्यूजिक से चल रही थी और बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो बस रात काफ़ी हो गई थी, फिर हमने चलने की तैयारी कर ली थी। बच्ची जो थी वो खिलौनों में लगी हुई थी, तो बस हम सबको खुदाफिज़ करके अपने घर रवाना हो गए। तो जी ये था मेरा आज छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब चूँकि रमज़ान बहुत करीब है तो अब मेरे जो कल से व्लॉग्स आएंगे वो रमज़ान की प्रिपरेशन के होंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।